रूस और यूक्रेन के बीच नए सिरे से युद्ध शुरू हो गया है और एक दिन पहले रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला करके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की कोशिश की। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन दोनों देशों के बीच जंग का नया अध्याय शुरू हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुतिन को मारने का जिगरा किस में आ गया। देखिए, जब भी दो देशों के बीच जंग लड़ी जाती है तो ये केवल देशों के सैनिकों के बीच लड़ी जाती है। कोई देश दूसरे देश की सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण नहीं करता, ये देशों के बीच आपसी समझ के कारण होता है। इसी वजह से खुद अमेरिका भी ऐसा कभी नहीं करता। हालांकि इस हमले से सबसे ज्यादा फायदा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही होगा, क्योंकि अब पुतिन इस हमले के जरिए पूरी दुनिया की हमदर्दी भी बटोर सकेंगे। जो दुनिया जंग की शुरुआत से ही पुतिन के खिलाफ खड़ी थी, अब उसे ना चाहकर भी इस हमले की निंदा करनी पड़ेगी। आसान शब्दों में कहे तो इस हमले ने एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हालांकि अभी भी न्यूक्लियर मिसाइल के इस्तेमाल होने की संभावना ना के बराबर है, पर इस हमले का सहारा लेकर पुतिन अब अपने हाथ खोल सकेंगे और यूक्रेन के साथ कुछ भी कर पाएंगे। तभी हमले के तुरंत बाद रूस ने ज़ेलेंस्की को खत्म करने की कसम खाई है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि यूक्रेन ने ही इस हमले को अंजाम दिया हो। मगर जिस ड्रोन से हमला किया गया है वो यूक्रेन का बॉर्डर पार कर रूस की सीमा में 500 किलोमीटर तक का सफर नहीं कर सकता, इसलिए ये हमला यूक्रेन और पुतिन के उन विरोधियों की मिलीभगत हो सकती है जो नहीं चाहते कि पुतिन प्रेसिडेंट की गद्दी पर बने रहे। दूसरी तरफ इस बात को भी हजम करना काफी मुश्किल है कि आखिर इस ड्रोन को रूस का एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट करने में विफल क्यों हो गया। इसलिए इस बात के भी 100% चांसेस बनते हैं कि ये अटैक खुद पुतिन ने ही कराया हो, ताकि वो पूरी दुनिया की नजरों में विलेन की जगह हीरो बनकर उभरे और उन्हें कोई भी यूक्रेन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने से ना रोके। इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन अब इतना बम मारेंगे कि यूक्रेन में सब धुआं धुआं कर देंगे। यूक्रेन के लिए अब आगे कुआं तो पीछे खाई वाली परिस्थिति पैदा हो गई है। भले ही यूक्रेन ने हमला कराया हो या नहीं, पर अब यूक्रेन और खासकर ज़ेलेंस्की का विनाश निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया डिजिटल।